भाई साहब, ये भाई हमका रोजगार नहीं मिल रहा है। पीके है के हैं? पुलिस वालन की यही ड्यूटी रहेगी कि तुम बेरोजगारों को रोजगार दिलावे। तो कहाँ मिलेगा रोजगार? दिमाग के ढक्कन, पुलिस वाले आम आदमी होते हैं, देश के नेता नहीं। देश के नेता नहीं, देश के नेता नहीं, देश के नेता नहीं, देश के नेता नहीं। इस देश को रोजगार मोदी दिला सके भाई, रोजगार मोदी दिला सके भाई, रोजगार मोदी दिला सके। वोट डालिया मोदी जी को, वही तुझे रोजगार दिलाएगा। मोदी को बस 5 साल और दे दे बेटा। ये मोदी कौन है जौन हमका रोजगार दे सकता है? जी का देखो, सब उका नाम रट रहा है। हम जो देखा, हमरा तो साला फ्यूज ही उड़ गया। राम मंदिर के नाम पर वोट बिक रहा था। ये देश का लोग ही जान गया था कि मंदिर का मैन्युफैक्चर कौन किया है। राम को लान वाला उके साथ ही रहता था। ये देश का करोड़ों लोग महंगाई, शिक्षा और रोजगार का प्रॉब्लम उकरे पास लेकर जाता है और वो तनकी सा वोट लेकर देश का तकलीफ दूर कर देता है। किसी का घर बनाना पुण्य का काम है और भगवान का घर बनाना महापुण्य का काम है। कहो भक्त, क्या पीड़ा? योगी महाराज, देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। मंदिर तो बनवा दिए हैं आप, लेकिन हम चाहते हैं कि बेरोजगार और महंगाई। 2024 इलेक्शन के बारे में सुना है? जी नहीं। जल्द आने वाले हैं, वोटर आईडी बनवाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि मोदी जी ने अयोध्या की गोद में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवा दिया है। बस इस बार भी आशीर्वाद दे आओ, रोजगार मिल जाएगा। राग नंबर ई राग नंबर है। योगी जी, इलेक्शन जीते खातिर आप जो स्ट्रेटेजी का प्रयोग कर रहा है उल्लूल हो चुका है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? हम समझाता हूँ, हम सब देश का नागरिक है ना? हाँ है। तो अगर देश का नागरिक महंगाई रोजगार का समस्या लेकर आपके पास आता है तो आप क्या करेगा? देश की शिक्षा और विकास पर काम करेगा या उका ई बोलेगा कि 2-4 सालों में हमने इतो और मंदिर बनवाए दिया है, ऊ वास्ते हमका ई इलेक्शन में दोबारा वोट डाली आओ, फिर हम देश की अर्थव्यवस्था पर काम करेगा? का मतलब हुआ? अगर नेता देश का अर्थव्यवस्था पर काम करता तो ऊ फोकस करता देश के विकास में, मुफ्त शिक्षा देता, ऊ सब छोड़कर मंदिर के चक्कर में काहे पड़ता? है कि नहीं? हम प्रूव कर सकता हूँ, मोदी फिरकी ले रहा है। अंकल, जब तक लिखित में रोजगार ना मिले भाजपा को वोट बन डालना। हाँ, राम मंदिर के उद्घाटन का समय हो चुका है। सब वोटरवा आईडी लेके 2024 इलेक्शन का लाइन में लगा था। पूरा 2 घंटा बाद हमरा नंबर आया। मोदी जी, हमका रोजगार दिलवाए दो। अपॉइंटमेंट वाला लेटर किधर? चलिए भाई। अरे अमित साहब, देखिए ये हमका काम नहीं दे रहे हैं। हम वोट भी डाल दिया हूँ। अभी मंदिर बन गया है, रोजगार भी मिल जाएगा। कब मिल जाएगा बेटा? कब कैसे बता सकते हैं आपको, रोजगार मिल जाएगा। अरे लेकिन हमका काम कब मिलेगा? पाकिस्तान में मिलेगा आपको। अरे ऐसे कैसे? वोट यहाँ डलवा लिया और रोजगार पाकिस्तान में? निकालो कोई इसको, जाइए निकलिए ऐसे। चलिए चलिए ऐसे, हमका रोजगार मिलना मुश्किल साबित हो रहा था। अब एक ही तरीका था, हम हर इलेक्शन व पार्टी को वोट डालो। ईमा से कोई एक तो ऐसा पार्टी होगा जो उन मंदिर की जगह रोजगार देगा। कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। आज हमारे राम आ गए हैं, हमारे राम अभी दिव्य मंदिर में रहेंगे। रोजगार है कहां रे तू? बहुत ही कंफ्यूजी आ गया हूं भगवान। हमरे देश की जनता कुछ तो गलती कर रहा है जॉन, उस तक शिक्षा और रोजगार पहुंच नहीं रहा है। ये ससुरा मोदी राम लाया या राम मोदी लाया, समझ में नहीं आ रहा है। फ्रस्ट्रेटी आ गया हूं भगवान। हमका रोजगार चाहिए, बस इस देश को महंगाई मुक्त कराए दीजिए प्लीज। कुछ तो बोलिए,